हेलो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लाते रहूं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ पालक पूड़ी, जिसके लिए मैंने थोड़े से कटे हुए पालक लिया है, 4-5 कली लहसुन का है, एक ऑनियन मैंने ऐसे कट करके लिया है और 2 ग्रीन चिली है। हमें थोड़ा सा ऑयल की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो देखते हैं। चलिए, हम कढ़ाई को पहले गैस स्टोव पे हिट करेंगे और इसमें 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे और इसे बस फैला देंगे। फिर थोड़ा सा जीरा, लहसुन डाल देंगे और इसे थोड़ा सा रेड होने देंगे लहसुन को। ये देखिए, ये थोड़ा रेड हो चुका है लहसुन। अब हम अनियन और ग्रीन चिली डाल देंगे और इसे एक बार चलाएंगे मीडियम फ्लेम में थोड़ा। हमें बस इसे इतना ही भूनना है और अब हम इसमें पालक डाल देंगे और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें नमक ऐड नहीं करना है क्योंकि पालक में पहले से थोड़ा नमक होता है। और हाई फ्लेम में इसे 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे। आइए देखते हैं, इसे चेक करेंगे। ये हो गया है। अब इसे हम गैस स्टोव का बंद कर लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे और फिर इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, मैंने ग्राइंड कर लिया इसे। अब हम एक बॉल लेंगे और उसमें व्हीट का फ्लोर लेंगे, आटा, और हमें इसमें थोड़ा सा नमक डालना है। मैंने इस स्कोप से 3 स्कोप लिया था और फिर हम इसमें थोड़ा सा हींग ऐड कर देंगे और हमें ये प्यूरी से ही इस आटे को सानना है। अगर एक्स्ट्रा पानी लगे तो फिर डालेंगे, नहीं तो इससे ही होगा। इसका डो बना लेंगे हम। ये देखिए, मैंने डो को रेडी कर लिया है और अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दूंगी ताकि आटा फूल जाए। अब हम छोटे छोटे बॉल लेंगे इस तरह से और इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे पूड़ियों के आकार का बेल लेंगे हम। हमें इसे डीप फ्राई करना है तो दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल के हिट होने को रख दिया है। तेल हिट हो चुका है तो अब हम पूड़ी को डालेंगे। और एक एक करके सारी पूड़ियाँ हम तल लेंगे। अब हम इसे सर्व करेंगे सॉस, चटनी या कोई भी सब्जी जो आपको पसंद हो या फिर अचार के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।